अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं एक बीमारी होती है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सादे लफ्जों में इसको बताता हूं। सादे लफ्जों में क्या है, जैसे एक दिल का अटैक होता है वैसे आप समझें कि फेफड़ों का अटैक आ गया किसी को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक मेडिकल एमरजेंसी है और इसको हमें एज अ मेडिकल एमरजेंसी ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है। और दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ी सी अंडर डायग्नोज बीमारी है। अंडर डायग्नोज से मुराद ये है कि कॉमनली अगर कोई डॉक्टर इस लिहाज से ट्रेन नहीं हुआ हुआ कि इस मेडिकल एमरजेंसी की तशखीस कैसे करनी है, तो ये अक्सर औकात मिस हो जाती है, पकड़ी नहीं जाती सही तरीके से। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। इसको समझाने के लिए कि ये किस तरह प्रेजेंट करती है, हम एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाएंगे। एक पेशेंट है, उसकी यूएसए से फ्लाइट थी, यूएसए से उसने प्लेन पकड़ा, प्लेन पकड़ के वो लंबी सी फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान पहुंचते ही एयरपोर्ट के ऊपर उसको अचानक से छाती में शदीद दर्द हुआ, उसका सांस फटना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद उसने एक खून फेंकना शुरू कर दिया खांसी के साथ, और छाती में हाथ पकड़कर छाती को वो लगाने लगा कि मुझे यहां पे शदीद दर्द हो रहा है। अब यूजली लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अचानक से एक 20-25 साल का नौजवान जिसको पीछे कोई बीमारी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है किसी बड़ी बीमारी की, उसको इस तरह क्यों हुआ। वो उसे लेके एमरजेंसी में जाते हैं, एमरजेंसी में उसको देखा जाता है, असेस किया जाता है। वहां पे डॉक्टर्स क्या देखते हैं, उसके दिल की धड़कन को असेस करते हैं, चेक करते हैं। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हुई होती है, नॉर्मल हार्ट रेट अगर 70 से 80 के दरमियान है या 70 से 74 के दरमियान है, इस पेशेंट का 130-140 तक पहुंचा हुआ है। खून खांसी के साथ वो फेंक रहा है जबकि वो बताता है कि मुझे कभी जिंदगी में कोई खांसी नहीं रही है। छाती में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है उसको। डॉक्टर उसका एक्सरे करवाता है, एक्सरे के अंदर कुछ भी नहीं आता, कोई अलामत नहीं आती। अब इस पेशेंट को बिल्कुल इसी सिनेरियो के तहत अगर हम देखते हैं तो बहुत रेयर और कम बीमारियां इन अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, और उनमें सरे फेरेस या टॉप के ऊपर हम जिस बीमारी को रखते हैं, बीइंग अ चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन, उसको उस बीमारी को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ये वजूहात हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मैंने सिनेरियो के हिसाब से या केस के हिसाब से बता दी कि लॉन्ग फ्लाइट लेने के बाद पेशेंट प्रेजेंट किया। अब इस लॉन्ग फ्लाइट में क्या हो सकता है कि उस पेशेंट के साथ इस तरह हुआ। जैसे ही कोई इंसान बहुत ज्यादा देर तक बैठा रहता है या बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, तो उसकी टांगों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाता है वहां पे खून। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप किसी जगह पे लंबे अरसे तक बैठे हैं तो आपकी टांगों के नीचे उस पर्टिकुलर चीज का कंटिन्यूस प्रेशर लग रहा होता है। उसके प्रेशर लगने की वजह से जो टांगों से खून ऊपर दिल की तरफ आ रहा होता है वो आना स्लो हो जाता है, जिस वजह से खून ज्यादा देर तक खड़ा रहता है। खड़ा रहने की वजह से, स्टैग्नेंट ब्लड की वजह से, उसमें क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब क्लॉट बन जाता है तो वही क्लॉट या लोथड़ा वहां से निकला और फेफड़े की नालियों के अंदर आकर फंस गया, जिससे अचानक से फेफड़ों की ब्लड सप्लाई खराब होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजनेशन या सांस का अमल मुतासिर हुआ, दर्द शुरू हो गया। और अगर वो लोथड़ा बड़ी नाली में फंसने की वजह से उसने ज्यादा प्रॉब्लम बना दिया तो खांसी के साथ खून भी आ सकता है। ये एक केस सिनेरियो है कि इस तरह पल्मी एम्बोलिज्म प्रेजेंट कर सकता है। और बहुत सारी वजूहात भी हैं जिनसे पल्मी एम्बोलिज्म हो सकता है। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इतना तो हमने समझ लिया कि पल्मी एम्बोलिज्म होने के लिए लोथड़े का बनना जरूरी है,
अब लोथड़ा बनने की दो वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन, किसी का खून गाढ़ा हो गया या खून काफी देर तक चला नहीं, जिस वजह से स्टैग्नेंट ब्लड या ठहरे हुए खून के अंदर लोथड़ा बनना शुरू हो गया, और दूसरी वजह हमने पहले बताई कि खून गाढ़ा हो गया। इन दोनों वजूहात की वजह से, अगर गाढ़ा खून होगा उसमें भी लोथड़ा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो दोनों वजूहात की वजह से क्या होगा, लोथड़ा बनने के चांसेस बढ़ गए। और अगर वो लोथड़ा किसी तरीके से फेफड़े की नाली के अंदर आकर फंस गया तो इस बीमारी को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अब एक वजह इसकी मैंने शुरू में बता दी कि लॉन्ग फ्लाइट ली, जिस वजह से लोथड़ा उसकी टांगों की नालियों में बना और उसके फेफड़ों तक पहुंच गया। और वजूहात, कॉमन वजूहात क्या है, उनमें फीमेल्स के अंदर अगर मैं सरेफेरिस वजह की बात करूं तो उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, सादे लफ्जों में डिस्कस करें, ऐसी गोलियां जो प्रेगनेंसी के दौरान या दरमियान में वक्फे को बढ़ा देती हैं। यानी किसी का अगर एक एक बच्चा हुआ तो वो चाहता है कि अब मैं कुछ अर्से के लिए दूसरा ना हो, तो उसके लिए कुछ खास दवाइयां यूज की जाती हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती, उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ये एक और वजह है जिससे खून गाढ़ा हुआ और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ गए, यानी फेफड़ों की नालियों के अंदर खून का लोथड़ा पहुंचने के और बनने के चांसेस बढ़ गए। और वजूहात में, ऐसा पेशेंट जो मोबिलाइज नहीं हो पा रहा या बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा, मिसाल के तौर पे किसी की हिप की सर्जरी हुई है, मिसाल के तौर पे किसी को कैंसर है, वो बेड रिडन हो गया है, उठ के चल फिर बिल्कुल नहीं पा रहा, किसी की एज इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी ये बोन्स या बॉडी काम ही नहीं करती कि वो कुछ भी कर सके, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो खून का ठहराव बढ़ाती हैं। या जब ठहराव बढ़ता है खून का तो उसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया कि लोथड़ा बनने के चांसेस भी बढ़ते हैं। समझाने की जो कोशिश की जा रही है वो ये कि ऐसी कोई भी वजह बॉडी के अंदर जो खून के ठहराव का सबब बने या खून की नॉर्मल रवानगी के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा करे, वहां पर ब्लड के लोथड़े के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं टांगों की खून की नालियों के अंदर, और वहां से लोथड़ा निकल के लंग्स के अंदर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म की और मोटी मोटी वजूहात क्या होती हैं, या इसकी तशखीस कैसे की जाती है, या इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका, इसको हम बारी बारी मजीद छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।